अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू NBS फाइन कुकिंग। आज मैं मेरी वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ मुंबई की मशहूर अंडा भुर्जी कैसे बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंबई की मशहूर अंडा भुर्जी बनाने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर दो मीडियम साइज की प्याज को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, दो हरी मिर्ची को भी छोटा छोटा काट लेंगे और टमाटरों को चॉप कर लेंगे, कैप्सिकम लेंगे और उसे भी छोटा छोटा काट लेंगे, बारीक कटी हुई कोथमीर और अंडे। अगर आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, मगर शिमला मिर्च डालने से टेस्ट अच्छा आएगा। अब हम चूल्हे पर एक पैन रखेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे, तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे, फिर हम इसके अंदर चॉप करे हुए टमाटर डालेंगे और कैप्सिकम डालेंगे। टमाटर मैश हुए जब तक हम इसे पका लेंगे। देखिए टमाटर मैश हो चुके हैं, अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ, वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हम लोग अंडा भुर्जी बनाएंगे, मुंबई की अंडा भुर्जी से भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून किचन किंग मसाला डालेंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, बाकी के चीज़ों से भी हमारी अंडा भुर्जी टेस्टी बनेगी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। अब हम अंडों को अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए हमारा अंडा भुर्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें और थोड़े फ्लेवर के लिए बारीक कटा हुआ कोथमीर डालेंगे। देखिए गाइज, हमारी मुंबई की मशहूर अंडा भुर्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। होप आप लोग को मेरी अंडा भुर्जी की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऐसे ही इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।